सौगात की एक बात यह है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्रियों से अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए संकट बना हुआ है। ऑक्सीजन को प्लांट से अस्पताल और डिस्ट्रीब्यूटर तक टैंकों के जरिए पहुंचाया जाता है, उसमें वक्त भी लगता है और डिमांड के हिसाब से ऑक्सीजन के टैंकर भी कम है। इसी चुनौती से निपटने के लिए अब ट्रेन और वायुसेना के विमानों के जरिए भी ऑक्सीजन के टैंकर ढोए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ पश्चिम से बीजेपी विधायक सुरेश श्रीवास्तव का कोरोना की वजह से निधन हो गया। वो बीते 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीजेपी विधायक ने 76 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सुरेश श्रीवास्तव के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने दुख जताया। बताया गया कि सुरेश श्रीवास्तव करीब 15 दिन पहले कोरोना की चपेट में आए थे। कोरोना की कहर में मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए बड़ा फैसला किया। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि केंद्र गरीबों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त देगी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाली मदद का फायदा 80 करोड़ लोगों को होगा। मुफ्त अनाज की ये योजना अगले 2 महीने यानी मई और जून के लिए है, जिस पर मोदी सरकार 26,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करेगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में मदद के तौर पर अनाज ही सख्त जरूरत है। पिछले साल भी पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों की मदद की गई थी। जापान में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। जापान के टोक्यो और ओसाका में कोरोना का नया रूप सामने आया, जिसके बाद वहां इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना का दूसरा टीका लगवाया। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद आईटीओ के पास गाड़ियों की काफी भीड़ नजर आई। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, साथ ही उनके पास से 13 इंजेक्शन भी बरामद करने का दावा किया गया। बंगाल में बाकी बचे 2 चरणों की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में सरकार बनने पर फ्री वैक्सीन देने का वादा किया। इसकी जानकारी ट्वीट कर बीजेपी की ओर से दी गई, मगर बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने बीजेपी के इस वादे को जुमला करार दिया। 2 phases to go in Bengal and remember what BJP did in Bihar. They announced during the elections free vaccines. Nothing happened. Elections finished, they forgot. इटली की राजधानी रोम में विमान कंपनियों के सैकड़ों कर्मचारी नौकरी पर मंडराते खतरे को देखते हुए सड़कों पर उतर आए। अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए पायलट समेत दूसरे कर्मचारियों ने रोम के लियोनार्डो दा विंची एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। और आर्थिक तंगी से जूझ रही इटली की मुख्य एयरलाइन अलिटालिया के कर्मचारी तो उसका ताबूत लेकर ही वहां पहुंच गए। एयरपोर्ट की बिल्डिंग के बाहर बैनर, पोस्टर और प्लेकार्ड थामे कर्मचारियों ने सीटियां और ढपली बजा बजा कर खूब शोर मचाया। प्रदर्शनकारियों ने विमान कंपनियों को मदद देने की मांग की, साथ ही उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। Persone competenti a gestire questa azienda. वहां से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी एयरपोर्ट के कॉरिडोर में जुलूस निकालते भी दिखाई दिए। बताया गया कि 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन की वजह से करीब 40 विमानों को रद्द करना पड़ा। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में पुलिस की गोली से मौत के घाट उतरने वाले अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक के लिए इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। बताया गया कि पुलिस 2 दिन पहले 42 साल के उस आदमी को एक ड्रग केस में गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन तभी वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा और इसी गहमा गहमी में हुए गोलीकांड में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों के मन में गुस्से का गुब्बार फूट पड़ा। वो एक बार फिर सड़कों पर उतरे और सवाल उठाने लगे कि पुलिस को अगर किसी संदिग्ध या आरोपी पर काबू ही पाना होता है तो वो सीधा गोलियां ही क्यों बरसा देती हैं? प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर अफ्रीकी मूल के नागरिक की मौत पर दुख भी दिखा और दहशत भी। दहशत इस बात की कि जब रक्षा करने वाली पुलिस ही हत्यारी बन जाएगी तो उससे उन्हें कौन बचाएगा। लोगों ने गोलीकांड का वीडियो जारी करने की मांग उठाई और इलाके में काफी लंबा मार्च निकालने के बाद वो बीच सड़क पर धरने पर भी बैठ गए। इजराइल की राजधानी